गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास, माई सेल्फ रुचि गुप्ता फ्रॉम हैप्पी कैंपस स्कूल। इन लास्ट क्लास वी हैड डन एक्सरसाइज 2.8 क्वेश्चन नंबर 1 to 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर एज डेसिमल। आपको रैशनल नंबर गिवन है, डेसिमल में फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, इनको डिवाइड करके दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का फिफ्थ पार्ट मैं करवा रही हूँ। 3/11, ऊपर वाली स्टेटमेंट को अंदर रखते हैं और नीचे वाले से डिवाइड करते हैं। 3 को अंदर रखा, 11 से डिवाइड करेंगे। अब 11 बन जाए 11, 3 के नीचे 11 तो नहीं जा रहा, ना जाने की 0। डेसिमल यहाँ पे भी लगाना है और यहाँ पे भी लगाना है। डेसिमल लगाने के बाद आप एक 0 एक बारी में लगा सकते हैं। 30 बन गया। अब 11 टू जा 22 माइनस करो। अब हमने यहाँ पे डेसिमल लगा दिया ना, एक 0 लगाओ, एक 0 नीचे उतारो। अब 80 बन गया, 7 पे जा रहा है 77, माइनस किया, फिर एक 0 लगाई, एक 0 नीचे उतारी। 2 पे जा रहा है 22, माइनस किया, फिर एक 0 लगाओ, 0 उतारो, 77, फिर माइनस किया। अब आपका क्या हो रहा है, देखो 0.272727 ये रिपीट हो रहा है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.27 के ऊपर बार, जो रिपीट होते हैं डेसिमल के बाद उनके ऊपर बार का साइन लगा देते हैं कि 272727 आपका रिपीट हो रहा है। और ये जो डेसिमल के बाद जितने नंबर हैं, जब वो सारे रिपीट होते हैं तो ये बन जाता है प्योर रिकरिंग डेसिमल। सेवन पार्ट है 8/3, 8 को अंदर रखा, 3 से डिवाइड किया, 3 2 6, माइनस किया। अब यहाँ पे भी डेसिमल, यहाँ पे भी डेसिमल, एक 0 लगाओ, 0 नीचे उतारो, 3 6 18, फिर माइनस करो, फिर 0 लगाओ, फिर नीचे उतारो, 3 6 18, माइनस करो, 0 लगाओ, उतारो, फिर 3 6 18। अब इसमें आपका 6 रिपीट हो रहा है, 2.6 बारी बारी रिपीट हो रहा है, तो 6 के ऊपर बार का साइन, डेसिमल के बाद नंबर वो रिपीट हो रहा है, प्योर रिकरिंग डेसिमल। क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट में आपको डिवाइड करना है, ऊपर वाली स्टेटमेंट को अंदर रखेंगे, नीचे वाले से डिवाइड करेंगे। 8th पार्ट है 5/18, 5 को अंदर रखेंगे, 18 से डिवाइड करेंगे, ना जाने की 0, डेसिमल यहाँ पे भी लगाएंगे, एक 0 लगाएंगे। 18 2 36, माइनस किया, 0 उतारा, अब गया 7 पे, फिर माइनस करो, 0 लगाओ, 0 उतारो, फिर गया 7 पे। अब इसमें 7 बारी बारी रिपीट हो रहा है और रिमाइंडर देखो 14 बच रहा है हर बारी, तो सिर्फ 7 रिपीट हो रहे हैं ना, 0.27, 7 के ऊपर बार का साइन, सिर्फ 7 रिपीट हो रहा है, डेसिमल के बाद का 2 रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए आपका नॉन प्योर रिकरिंग डेसिमल। क्वेश्चन नंबर 9th में 19 को अंदर रखेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 3 18, माइनस किया, दोनों जगह डेसिमल लगाया, एक 0 लगाओ, एक 0 उतारो, 6 1 6, फिर माइनस करो, 0 लगाओ, उतारो। अब 36 पे जा रहा है, फिर माइनस करो, 0 लगाओ, उतारो। अब आपका बारी बारी डेसिमल आ रहा है, देखो 4 4 4, रिमाइंडर 4 आ रहा है और यहाँ पे 6 रिपीट हो रहा है, 3.16, सिर्फ 6 रिपीट हो रहा है, इसलिए सिर्फ 6 के ऊपर बार का साइन लगाया है, ठीक है, नॉन प्योर रिकरिंग डेसिमल, क्योंकि डेसिमल के बाद का 1 रिपीट नहीं हो रहा, सिर्फ 6 रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में सारे क्वेश्चन में डिवाइड करके दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, आपको डिवाइड नहीं करना, आपको बताने हैं जो ये रैशनल नंबर है ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, डिनोमिनेटर के फैक्टर बनाएंगे। अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर या तो 2 आते हैं या 5 आते हैं या 2 या 5 बोथ आते हैं, तो वो तो होता है टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है 4/9, डिनोमिनेटर 9 है, 9 के फैक्टर बनाए, 3 × 3, 3 3 9, अब ये 3 है, ना तो 2 है, ना 5 है, ना 2 5 बोथ है, तो क्या आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। सेकेंड पार्ट है 27/4, डिनोमिनेटर है 4, 4 के फैक्टर बनाए, 2 × 2, 2 2 4, सिर्फ 2 है ना, तो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। थर्ड पार्ट है 1/40, देखो 40 को ऐसे ये फैक्टर बनाते हैं ऐसे एलसीएम करके, तो फैक्टर क्या बने, 2 2 2 5, 2 और 5 है, बोथ है, तो क्या हो जाएगा, 1/40 मस्ट हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। सिर्फ आपने डिनोमिनेटर के फैक्टर बनाने हैं, फैक्टर आप ऐसे भी बना के देख सकते हैं। सेवन्थ पार्ट में 22 डिनोमिनेटर है, फैक्टर बनेंगे 2 × 11, अब इसमें 11 आ गया, तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। फैक्टर सिर्फ आपके 2 होने चाहिए या 5 होने चाहिए या 2 5, बोथ हो सकते हैं, तो टर्मिनेटिंग होता है, वरना नॉन टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन नंबर 7,
विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज डेफिनेट डेसिमल। अब डेफिनेट डेसिमल क्या होता है आपको डिवाइड करके दिखाना है। अगर रिमाइंडर जीरो आता है तो डेफिनेट डेसिमल, रिमाइंडर जीरो नहीं आता तो नॉट डेफिनेट डेसिमल। सेवन्थ का फर्स्ट पार्ट है 12/25, 12 को अंदर रखेंगे 25 से डिवाइड करेंगे। अब 12 के नीचे 25 नहीं जा रहा, ना जाने की जीरो, फिर लगाएंगे डेसिमल। एक डेसिमल यहाँ पे आएगा, डेसिमल यहाँ पे लगाएंगे, जीरो लगाई बन गया 120। अब ये जाएगा 4 पे, 25 फोर ज़ा 100, माइनस किया जीरो लगाया जीरो उतारा। अब ये जाएगा 8 पे, 25 एट ज़ा 200, रिमाइंडर क्या आ गया जीरो। अगर आपका रिमाइंडर जीरो आता है तो ये है डेफिनेट डेसिमल। सेकेंड पार्ट है 15/165, 15 को अंदर रखेंगे 165 से डिवाइड करेंगे। अब देखो 15 के नीचे 165 नहीं जा रहा, ना जाने की जीरो, डेसिमल यहाँ पे भी, यहाँ पे भी हमने एक जीरो लगाई, सिर्फ एक जीरो लगा के आता है 150, ठीक है। अब 150 के नीचे 165 जा रहा है, नहीं जा रहा, फिर एक जीरो यहाँ पे लगाई, एक जीरो यहाँ पे लगाई, ठीक है। वन टाइम में सिर्फ एक ही जीरो लगानी आपको। अब बन गया 1500। अब ये जाएगा 9 पे, 1485, माइनस करो। अब देखो फिर हमने एक जीरो लगाई, जीरो उतारी, अब क्या बना 150। और फिर 150 नहीं जा रहा, फिर यहाँ पे एक जीरो लगाएंगे, फिर यहाँ पे जीरो लगाएंगे, जीरो उतरे, ठीक है। फिर 9 पे जाएगा, हर बारी जीरो यहाँ पे लगाएंगे, फिर जीरो उतारेंगे, क्योंकि हम दो जीरो इकट्ठी उतार रहे हैं, इसीलिए पहले एक जीरो क्वेश्चन में लगेगी, फिर यहाँ पे लगाएंगे, फिर नीचे उतारेंगे। 09 09 09 आपका रिपीट हो रहा है, जब रिपीट होता है तो ये नो डेफिनेट डेसिमल। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताना है, पहले प्लस के साइन है, रैशनल नंबर प्लस में है, एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, रैशनल नंबर बन जाएगा। फिर आपको बताना है टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं। 8 का सेकंड पार्ट है, पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, 2, 5 और 3, 2, 5, 3 का एलसीएम लेंगे। देखो 2, 5, 3, पहले 2 के टेबल पे जा रहा है, फिर 3 के टेबल पे जा रहा है, फिर 5 के टेबल पे जा रहा है। 2, 3 ज़ा 6, 6, 5 ज़ा 30, डिनोमिनेटर 30 आ गया। डिनोमिनेटर को एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे 15, 15 बन जा 15। एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करके जो आंसर आता है उसको न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई, 5, 6 ज़ा 30, 6, 1 ज़ा 6। 30 को 3 से डिवाइड किया 10, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, 2 ज़ा 20, तीनों को प्लस किया 41/30। अब इसको डिवाइड करके बताना है आपको कि टर्मिनेटिंग है या नहीं। 41 को अंदर रखेंगे, 30 से डिवाइड करेंगे, 31 ज़ा 30, माइनस किया, डेसिमल दोनों जगह लगाया, एक जीरो लगाई उतारी, फिर 3 पे जा रहा है 20, फिर जीरो लगाओ उतारो। अब 6 पे जा रहा है, इसमें 6 बारी बारी रिपीट हो रहा है और रिमाइंडर आपका बच रहा है, तो क्या आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। 8th का जो सेकंड पार्ट है वो तो नॉन टर्मिनेटिंग है, फर्स्ट और थर्ड आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर आएगा जीरो। फर्स्ट और थर्ड में पहले एलसीएम लोगे, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करोगे, फिर उसको डिवाइड करके दिखाना है, डिवाइड करके आपका रिमाइंडर जीरो आ जाएगा, ठीक है। एक्सरसाइज 2.8, आपको क्वेश्चन नंबर 5 to 8 करने हैं। ओके, थैंक यू।